फ्रेंड कैसे हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ मोटो G54 5G और दूसरी तरफ पोको का X5। अगर आप लोग भी 15,000 रुपीज से कम के प्राइस में नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आज के इस कंपेरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक तरफ पोको के X5 में Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ Moto G54 5G में MediaTek का Dimensity 7020 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो उसमें तो आगे निकल जाता है पोको का X5, क्योंकि पोको के X5 का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,01,000 निकल के आता है, वहीं दूसरी तरफ Moto G54 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 3,85,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के अंततः स्कोर के हिसाब से तो आगे निकल जाता है पोको का X5, पर इन दोनों स्मार्टफोन को जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो बिल्कुल ही अपोजिट देखने को मिल जाता है। क्योंकि जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ पोको के X5 का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 2,400 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 3,500 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, अंततः स्कोर के हिसाब से तो पीछे रह जाता है मोटो का G54 5G, पर रियल लाइफ में गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो मोटो का G54 5G पोको के X5 से काफी बेटर हो जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए, जिस तरह गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में काफी बेटर हो जाता है मोटो का G54 5G, उसी तरह डिस्प्ले की क्वालिटी के मामले में काफी ज्यादा बेटर हो जाता है पोको का X5, क्योंकि पोको के X5 में 6.67 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के। अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो उसमें भी काफी बेटर हो जाता है पोको का X5, क्योंकि पोको X5 की डिस्प्ले में 1200 nits की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G सिर्फ 560 nits की ही ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो अगर आप लोग भी आउटडोर में काफी ज्यादा स्मार्टफोन को यूज करते हो तो आप लोगों को पोको के X5 की तरफ जाना चाहिए। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में तो बेटर हो जाता है मोटो का G54 5G, क्योंकि 15,000 रुपीज से कम के प्राइस में मोटो G54 5G के कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 50 megapixel का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 megapixel का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको के X5 के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 48 megapixel का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 2+2 megapixel के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है इन दोनों स्मार्टफोन के। अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में भी बेटर हो जाता है मोटो का G54 5G, क्योंकि मोटो G54 5G में 16 megapixel का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.45 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको के X5 में 13 megapixel का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.45 अपर्चर देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर की बात करी जाए तो मोटो G54 5G में डुअल वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जबकि पोको के X5 में डुअल वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। ऑडियो फीचर की अगर बात करी जाए तो मोटो G54 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है, जबकि पोको के X5 में डॉल्बी एटमॉस देखने को नहीं मिलता। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो G54 5G में 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है 30 watt की टर्बोफास्ट चार्जिंग के साथ, USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको के X5 में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 33 watt के फास्ट चार्जिंग के साथ, USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं।
तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग 15,000 रुपीज से कम के प्राइस में एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, वो भी एक अच्छे OIS वाले कैमरा सेटअप के साथ, तो आप लोगों को मोटो G54 5G की तरफ जाना चाहिए। अगर आप लोग 15,000 रुपीज से कम के प्राइस में एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, स्मार्टफोन से गेमिंग आप लोग एवरेज करते हो और ज्यादा बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आप लोगों को पोको के X5 की तरफ जाना चाहिए।